इज द मीन्स ऑफ स्प्रेड. जो इन्फेक्शियस डिजीज है आखिर वो एक इंसान से दूसरे इंसान यानी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन हाउ इट गेट ट्रांसफर. जो मीडियम वो स्प्रेडिंग के लिए डिजीज यूज करती हैं दैट इज एयर वाटर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वैक्टर्स एटसेट्रा. इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस वेज एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ लेट्स फर्स्ट फोकस अपॉन द एयर बॉर्न डिजीज. एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज समथिंग टू रिलेटेड टू रिलेट विद द एयर. लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन ऑन स्नीजिंग और कफिंग. These droplets can be breathed in by someone standing close and microbes get chance to start a new infection. Definitely, अगर किसी भी एक भी student को किसी एक भी इंसान को कोई infection है and वो sneeze करता है या cough करता है तो बहुत common बात है कि उसकी body में से कुछ droplets या जो microorganisms हैं वो air में आकर suspend कर जाएं. एंड जो भी इंसान उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास में बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़ा होगा वो एग्जैक्टली उसी एयर को इनहेल करेगा और फाइनली माइक्रोब्स को एक नया चांस मिल गया ताकि वो एक नए इंसान के ऊपर इन्फेक्शन स्टार्ट कर सके. सो दिस इज हाउ द एयर बॉर्न डिजीज गेट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. एंड द एग्जाम्पल्स आर कॉमन कोल्ड कफ ट्यूबरक्लोसिस. एंड द वेरी मेन पॉइंट इज ओवरक्राउडेड and poorly ventilated housing is a major factor in spreading airborne disease. अगर जिस एरिया में overcrowding होती है और जो ऐसे houses हैं जहाँ पर proper ventilation नहीं होती, ये दो चीज़ें major factor होती हैं, major area होती है जहाँ पर airborne disease का spread जो है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है. After airborne disease, let's focus upon the waterborne disease. If the excreta from someone suffering from an infectious disease get mixed with the drinking water used by people, it result in waterborne disease. Such disease are much more likely to spread in the absence of a safe supply of drinking water. Example, cholera. जो बार बार बोला जाता है कि सेफ वाटर होना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, कंजम्पशन कभी भी पानी अगर पीना है तो हमेशा साफ़ सुथरी जगह से पीना चाहिए. इट शुडेंट बी लाइक दैट इन एनी डैम्ड एरिया और एनी इन गार्बेज एरिया यू आर गोइंग टू हैव वाटर. उसका रीज़न यही है बिकॉज यू आर नॉट नोइंग दैट हाउ दैट वाटर इज़ कमिंग. मे बी पॉसिबल कि वो वाटर जो है उसका बहुत ज़्यादा ओपन एक्सेस एनिमल्स को प्लांट्स को और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी हो. सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर उसने उसकी बॉडी से कोई भी फ्लूइड आके उस पानी में मिक्स हो जाता है और वही पानी किसी ना किसी तरीके से मिक्स हो जाता है लोगों के ड्रिंकिंग वाटर टैंक के थ्रू, तो डेफिनेटली जितने भी लोग उस इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड वाले उस मिक्स्ड पानी को पिएंगे डेफिनेट सी बात है या कंज्यूम करेंगे किसी भी फॉर्म में उस इंसान को सेम वही इन्फेक्शन होगा. एंड ऐसी डिजीज सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाती है इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जब ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है वो प्रॉपरली सेफ एरिया से ना आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल कॉलरा या फूड पॉइजनिंग जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. कॉलरा और फूड पॉइजनिंग दो ऐसी डिजीज हैं जो गंदे एरिया से जो अनहाइजीनिक एरिया से वाटर कंज्यूम करने पर बहुत कॉमनली हमें हो सकती हैं. द वेरी नेक्स्ट कैटेगरी इज वैक्टर्स. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपने ये चीज़ एग्जैक्टली अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है. एक्चुअल में कुछ इंसेक्ट्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन को कैरी करके किसी दूसरे हेल्दी इंसान तक पहुंचाते हैं. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे इंसेक्ट्स को हम वैक्टर्स कहते हैं या कैरियर्स कहते हैं बिकॉज दे आर कैरिंग द इन्फेक्शन. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द इंसेक्ट्स द एनिमल्स दैट कैरी द इन्फेक्शन ऑन देयर बॉडी एंड गेट इट ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. दीज टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वैक्टर्स और कैरियर्स. These animals act as an intermediate cause. वो बिल्कुल intermediate cause की तरह काम करते हैं. इसका सबसे अच्छा example है malaria. अगर हम malaria को study करें तो actual में जो malaria है वो एक protozoan से cause होती है. Malaria को protozoan जो है वो cause करता है. लेकिन
अगर सपोज किसी इंसान को मलेरिया है तो उसकी बॉडी में प्रोटोजोन जो है वो फ्लो कर रहा होगा उसके ब्लड में, लेकिन जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो क्या करती है, वो जैसे ही उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, उसकी बॉडी से ब्लड को सक करेगी, तो उसकी बॉडी के ऊपर भी वो प्रोटोजोन, वो पैथोजन आ जाएगा जिसकी वजह से मलेरिया हुआ था उस इंसान को। एंड वही फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी के ऊपर बैठेगी एंड उसके ब्लड को सक करेगी, तो जो उसकी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से आए थे वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। तो जो फीमेल एनोफ्लीस है वो एक कैरियर की तरह काम करती है। एक्चुअल में फीमेल एनोफ्लीस की वजह से मलेरिया नहीं होता, फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। इसी तरीके से जो डेंगू फीवर है दैट ऑल्सो गेट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ एड्स मॉस्किटो। इसके अलावा फ्लाइज सच एज हाउस फ्लाई ऑल्सो, ये भी टाइफाइड और कॉलरा जैसी डिजीज को स्प्रेड करती हैं। सो दीज आर द वेक्टर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। आफ्टर दैट द वेरी लास्ट मीडियम मीन्स ऑफ स्प्रेड इज सेक्शुअली ट्रांसमिशन, दैट मीन्स सम डिजीज आर STDs दैट आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। Microbial disease can be transmitted by the sexual contact from one person to the another. STDs do not spread by the handshake, drugs, sports such as wrestling, but they are spread due to the physical contact between the healthy person and the infected person. AIDS and syphilis are the common examples of the STDs. सबसे important note जो है STDs के बारे में, एड्स वायरस कैन स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। जो एड्स वायरस है यानी जो HIV वायरस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी स्प्रेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो मदर से बेबी में जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इनफैक्ट मदर से बेबी में ट्रांसफर हो सकता है HIV वायरस थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। सो दीज वर द मेन मीन्स ऑफ स्प्रेड, these were the main factors through which a communicable disease can spread from a infected person to a healthy person. In the next topic is what are the general effects of infectious disease, ye jo infectious disease hain aakhir inka generally ek body pe kya effect hota hai. Number one, sabse pehle effects dekhne se pehle you should know a term which is called as immune system. Immune system is the defense system that protects the body against various types of microbes. It also keeps the body safe by killing infectious microbe. हमारी body में एक खुद self doctor होता है, एक self हमारा defense system होता है। इस वजह से वो system क्या करता है, वो immune system what it does is, it keeps our body safe. उसकी उसमें एक खुद एक सेल्फ एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट बैक कर सकता है। सो दैट डिफेंस सिस्टम ऑफ आर बॉडी इज नोन एज इम्यून सिस्टम। सो नाउ कम अपॉन द वेरियस जनरल इफेक्ट्स दैट इन्फेक्शियस डिजीज हैव ऑन आर बॉडी। नंबर वन इज इन्फ्लेमेशन। ड्यू टू दिस प्रोसेस देयर मे बी लोकल इफेक्ट्स लाइक स्वेलिंग, पेन एंड फीवर। ये एक बहुत जनरल सी चीज़ है दैट इज इन्फ्लेमेशन। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हमारी बॉडी में कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग कॉज कर सकती है, पेन कॉज कर सकती है एंड फीवर, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज एलर्जी। एनी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय एनी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। थर्ड वन इज डिजीज लाइक एड्स विच इज कॉज्ड बाय HIV. HIV reaches the immune system and damage its function. Due to this, body is not able to fight even with the minor infections like cold and this lead to the death. अगर कोई इंसान AIDS sufferer है, अगर उसे AIDS है, actual में वो इंसान AIDS की वजह से नहीं मरता। उसकी body में जो HIV virus आया है, actually HIV is a pathogen due to which AIDS is caused. वो HIV डायरेक्टली अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम पे, सेल्फ डॉक्टर पे, जिसकी वजह से उस पर्सन की जो बॉडी है वो एक नॉर्मल फीवर या नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी बियर अप नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज एक्यूमुलेट होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
सो मेनी ऑफ द डिजीज कैन इफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो. द लास्ट जनरल इफेक्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी. डेफिनेटली बात है कि हमें किस लेवल पे, किस स्टेज पे डिजीज पहुंची है हमारी, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनका नंबर क्या है. वो बहुत ज्यादा अगर अमाउंट में मल्टीप्लाई कर चुके हैं हमारी बॉडी में तो डेफिनेटली वो डिजीज बहुत ज्यादा इंटेंस होगी. लेकिन अगर वो स्ट्रांगली मल्टीप्लाई उन्होंने नहीं किया है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज पर हमारा डिजीज नहीं पहुंचेगा. So these are the general effects of the infectious disease, and this was something about immune system. Now the next question arises, this is something very important to understand. What is the principle of treatment? अगर किसी भी disease के against कोई treatment prepare किया जाता है तो उसका principle क्या होता है? हम किसी भी disease के against treatment prepare करने के लिए दो principles को use कर सकते हैं. पहला principle तो ये कि उस disease के जो symptoms हैं हम उसको रिड्यूस करें, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करें जो डिजीज का इफेक्ट है. लेकिन दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि उस डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, जो उस डिजीज को कॉज कर रहा है, हम उसी को किल कर दें. तो लेट्स स्टडी अबाउट बोथ ऑफ दीज ट्रीटमेंट प्रिंसिपल. फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज. इन दिस By providing treatment, symptoms can be reduced, but the microorganism would not be killed, and hence disease would not be cured completely. जो first treatment है वो हमें ये कहता है कि जो disease के effect हैं, जो उसके symptoms हैं, जो उसके हमारी body पर जो वो damaging effect cause कर रहा है, हम उन effects को treatment देकर कम कर देते हैं. लेकिन इस principle के under जो microorganisms हैं वो kill नहीं होता, इसीलिए जो डिजीज है वो कम्प्लीटली क्योर अप नहीं होती. जबकि जो सेकंड प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का वो क्या कहता है, एक्चुअल में वो क्या कहता है, दैट अप्रोच शुड बी डन टू किल द कॉज ऑफ डिजीज, दैट इज टू किल द पैथोजन. इट इज द बेस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. इट इज एसेंशियल दैट मेडिसिन टू स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये बेस्ट वे है किसी भी डिजीज से रिकवर होने का. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज प्रॉपर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन. इट इज हार्डर टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन बिकॉज वायरसेज हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिजम्स ऑफ देयर ओन. दे एंटर आर सेल्स एंड यूज आर बॉडी ऑफ कंप्लीटिंग देयर लाइफ प्रोसेस. दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली वेरी फ्यू वायरसेज टारगेट टू एम एट. ओके, ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ही कर दें. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कैसे करते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सपोज अगर हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज हुई है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आखिर करता क्या है. बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करता रहता है, वो रिप्रोडक्शन करेगा बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल पे, और उस बैक्टीरिया की जो अमाउंट है हमारी बॉडी में नंबर बढ़ता जाएगा और हमारी जो डिजीज है वो इंटेंस होती जाएगी. तो हम प्रॉपर एंटीबायोटिक्स खाते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे. उनको अपनी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है वो उस मैकेनिज्म को ही, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही ब्लॉक कर देंगे. तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा. रिप्रोड्यूस अगर वो नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी में उसका नंबर नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिकवर कर जाएगी. तो बैक्टीरियल डिजीज को तो हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो वायरल डिजीज होती हैं उनकी मेडिसिन बनाना बहुत डिफिकल्ट है. एंड यही रीजन है कि साइंटिस्ट को अभी तक COVID-19 वायरस का जो मेडिसिन है वो नहीं प्रॉपरली मिल पाया है. इनफैक्ट किसी भी वायरल डिजीज के लिए मेडिसिन बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है. उसका रीजन क्या है, एक्चुअल में जो वायरसेस होते हैं वो अपना खुद का मैकेनिज्म बॉडी का यूज नहीं करते मल्टीप्लाई करने के लिए. क्योंकि सिर्फ कुछ ही वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है. एक्चुअली दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज आवर बॉडी टू कंप्लीट देयर लाइफ प्रोसेस.
वायरसेस जो है वो होस्ट की बॉडी को यानी हमारी बॉडी को ही यूज करते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब वायरसेस की बायोकेमिकल साइकिल्स को जब हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हुए या वो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा बायोकेमिकल मैकेनिज्म ही फॉलो कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, उनका खुद का तो कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। इसीलिए वायरसेस जो होते हैं दे आर वेरी मच डिफिकल्ट टू टारगेट, इसलिए उन्हें टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एंटीवायरल मेडिसिन आर वेरी मच डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। सो दीज वर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, दैट हाउ ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू द इन्फेक्शियस पेशेंट। ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रिंसिपल्स वी कैन डिजाइन द मेडिसिन ईदर टू suppress the symptoms of the disease or to kill the pathogen associated with the disease. But there are few limitations also which are related to the treatment. Number one is damaged body function of a patient may never be recovered completely. Yes, many times what happens is treatment ki wajah se patient ka koi body part damage ho sakta hai jo shayad fir kabhi bhi recover na ho paaye. Treatment given to any person may take time, which means patient has to be bedridden for some time. हो सकता है कि patient को जो treatment दिया जा रहा है उससे उसकी वजह से person को थोड़ा time लग जाए recover होने में, इसका मतलब काफ़ी time के लिए उस time period के दौरान जब तक treatment दिया जा रहा है person को, जब तक वो properly work करना शुरू नहीं कर रहा treatment, तो जो patient है उसको bedridden होना पड़े। The next limitation is the person suffering from an infectious disease can act as a source for further spread of infection. Definitely, किसी भी treatment को properly 100% अपना result दिखाने के लिए थोड़ा सा time चाहिए, and meanwhile, that infected person can act as a source for further spread of infection. जैसे अभी जो corona outbreak है उसमें क्या हो रहा है, जब तक किसी patient को पता नहीं लगता कि that yes, he or she is infected from the COVID-19 virus, तब तक इट एक्ट एज अ सोर्स फॉर द अदर पर्सन एंड स्प्रेड द डिजीज वेरी रैपिडली ऑन टू द हेल्दी पर्सन। सो दीज आर द फ्यू लिमिटेशंस विच आर रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से बोला जाता है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो वट आर द वेरियस मेथड्स बाई यूजिंग विच वी कैन प्रिवेंट एनी डिजीज कमिंग टू आर बॉडी? द वेरी फर्स्ट थिंग कम अंडर दिस इज स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। The immune system of our body normally fights against microbes that enter to our body and kills them. ये सबसे important है कि हमारी body का जो immune system है वो बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए, because हमारी body का जो self-defense system है it has tendency to fight against the microbes and also kill them. After that, the next method to prevent the disease is balanced diet. बिकॉज अगर बैलेंस डाइट हमें प्रॉपरली पूरी मिलेगी, प्रॉपर फूड फॉर एवरी वन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम विल ओनली वर्क प्रॉपरली इफ वी आर कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट, वी आर कंज्यूमिंग प्रॉपर हाइजीनिक न्यूट्रिशियस फूड। सो बैलेंस डाइट इज द मेन बेस रूट दैट क्रिएट्स आवर इम्यून सिस्टम, एंड हेंस इट इज द बेसिक रूट विच कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम द वेरियस डिजीज। After that, by providing safe drinking water, waterborne microbes can be avoided. Definitely, if we will be having, we will be consuming safe drinking water, we will be having it, then definitely we will be able to curb the waterborne microbes. By providing living conditions that are not overcrowded, airborne microbes can be avoided. Again, same thing. Proper, very clean and very spacious living should be there for us, because it will definitely avoid airborne disease. By providing clean surroundings, vector-borne microbes can be avoided. तो properly अगर हम balanced diet लेंगे, safe drinking water हमारे पास होगा, proper clean and healthy, proper ventilated living conditions होंगी, and अगर हम clean surroundings में रह रहे होंगे तो definitely we will be very much away from some of the disease and we can prevent ourselves in very broad way. So these are all the factors, all the methods with which we can prevent the incoming of disease to our body. Now there is a term that is called immunization. Actually what happens is, हमारे immune system को किसी भी disease के against ready कर देना
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देना या उसे इम्यून सिस्टम को स्टिम्यूलेट कर देना किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ या किसी भी इन्फेक्शस माइक्रोब के अगेंस्ट, इसे बोला जाता है इम्यूनाइजेशन. When the immune system sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. Next time, when the same microbe enter the body, immune system responds with greater ability, and this is the basic principle of immunization. So, immunization का meaning यही है कि हमारा immune system जो है वो बहुत जल्दी active हो जाए, वो बहुत जल्दी stimulate हो जाए against any infectious microbe or any infectious disease. एंड इस इम्यूनाइजेशन के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के स्टिम्यूलेशन के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वैक्सीनेशन. वैक्सीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसके अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊँ तो जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, दैट आर फॉर डाइपथेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो मैथिलिस जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी के लिए, ट्यूबोक्लोसिस के लिए. These are the examples of vaccination. Let's move toward the very detailed discussion about vaccines and their principle. जानने की जरूरत है, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या हमारी बॉडी में जनरेट किए जाते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं किसको? जर्म्स को. और हमारी बॉडी में हमेशा के लिए या बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जर्म हमारे ऊपर वापस अटैक ना कर सके, वो अटैक करने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर सके. और इसी एंटीबॉडीज की वजह से हमारा खुद का इम्यून सिस्टम एग्जिस्ट करता है. सो एंटीबॉडीज आर द सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड रिमेन्स इन बॉडी टू प्रिवेंट फर्दर अटैक. So these are antibodies. Now the very important thing, vaccines. सबसे पहले मैं वैक्सीन को अगर डिफाइन करूं कि what actually a vaccine is, तो वैक्सीन क्या होती है? एक ऐसी biological preparation है जो doctors बनाते हैं, scientists बनाते हैं, जो हमारी body को immunity provide करती है एक particular disease के against. For example, जो भी corona outbreak चल रहा है, अगर इस डिजीज के अगेंस्ट कोई वैक्सीन बनती है तो वो वैक्सीन क्या करेगी? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी इस COVID-19 वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. सो दीज आर वैक्सीन्स. दो टाइप की वैक्सीन्स एग्जिस्ट करती हैं, Type 1 and Type 2. एक प्रोसीजर क्या कहता है, Type 1 क्या कहता है? इन वैक्सीन्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा डेड या वीकेंड स्टेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा. मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, वो ज्यादा इजी होगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है? प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कॉज करता है. तो क्या होगा, जो मलेरिया की वैक्सीन होगी, अगर सपोज मलेरिया की कोई वैक्सीन होती है, तो उस केस में क्या होगा, वो प्लाज्मोडियम ही उठाएंगे प्रोटोजोन जो मलेरिया कॉज करता है, उसको या तो वो डेड होगा या फिर उसको वीक कर दिया जाएगा, बहुत इतना वीक कर दिया जाएगा कि अगर वो हमारी बॉडी में एंटर भी करता है तो वो हमें मलेरिया कॉज ना कर पाए. और मैं क्या करूंगी, मैं उस डेड या वीकेंड प्रोटोजोन को, प्लाज्मोडियम को, इंजेक्शन में फिल कर दूंगी, वैक्सीन में फिल कर दूंगी बाकी दूसरे केमिकल्स के साथ, और उस वैक्सीन को मैं पेशेंट की बॉडी में क्या करूंगी, इंजेक्ट कर दूंगी. मतलब पेशेंट नहीं, मतलब हेल्दी पर्सन की बॉडी में. वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन के लिए भी होती हैं. जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे बहुत सारी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं इसीलिए, ताकि वो उसे बीमारियां ना हो. तो अब क्या होगा, मैंने ऑलरेडी जो प्रोटोजोन है वो उस बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट करा दिया. उस बेबी की बॉडी क्या करेगी, उसी यानी कोई फॉरेन पार्टिकल जो है उस बेबी के बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो उसकी खुद की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो देखेगा कि नहीं, बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है जो हमारे लिए हार्मफुल हो गया है. तो उसकी जो बॉडी है ना, वो उस प्रोटोजोन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू करेगी. एंटीबॉडीज वही जो हमने अभी पढ़ी, यानी उस बेबी की बॉडी में प्रोटोजोन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई. लेकिन वो प्रोटोजोन तो उस बेबी को कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि या तो वो डेड है या फिर वो वीकेंड स्टेट में है. तो अब उसके बॉडी में उस प्रोटोजोन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या हुआ, एंटीबॉडीज बन गई.
अब वो बहुत लंबे टाइम तक या ऑलमोस्ट लाइफ टाइम उस बेबी के बॉडी में बनी रहेंगी, एंड जब भी कोई एक्चुअल प्रोटोजोन या प्लाज्मोडियम आके उस बेबी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो बॉडी है वो पहले से ही प्रिपेयर होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में हम एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट करा चुके हैं स्टार्टिंग में ही एक डेड प्रोटोजोआ उसके अंदर इजेक्ट करके। सो एक टाइप होती है ये वैक्सीन की कि हम ऑलरेडी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट करा दें ताकि बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से जनरेट हो, ताकि जब एक्चुअल में लाइफ में कभी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बंदे को अटैक करे तो वो ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी रेडी हो फाइट बैक करने के लिए। एग्जाम्पल है पोलियो, एक्चुअल में मलेरिया मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही थी, लेकिन मलेरिया की कोई ऐसी वैक्सीन नहीं लगती है। यस, पोलियो एक ऐसी जरूर डिजीज है जिसका वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो बेबी को उसके बर्थ के टाइम के कुछ टाइम तक लगाई जाती हैं, और उनका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट पहले से ही करा दी जाए, ताकि अगर ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसे लाइफ में कभी भी अटैक करे तो उसकी बॉडी जो है वो पहले से ही रेडी हो। ऐसी जो वैक्सीन्स हैं वो बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी बहुत लंबे टाइम तक। तो ये है वैक्सीन्स का टाइप वन। वैक्सीन्स का टाइप टू क्या है? ये ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो बॉडी में जाकर क्या करेंगी, एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगी डायरेक्टली। मतलब इन वैक्सीन्स में रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, ये बॉडी में जाकर जनरेट नहीं कराती हैं। ये वैक्सीन्स ऑलरेडी, इनके पास बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और ये हमारी बॉडी में बस जनरेट मतलब इजेक्ट कर दी जाती हैं। अब हमारे ब्लड में इतनी सारी एंटीबॉडीज हो गई हैं तो हम उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो एक ऐसी डिजीज है जिसके लिए वैक्सीन इस तरीके की लगाई जाती है कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं टाइफाइड के अगेंस्ट, साल्मोनेला टाइफाई के अगेंस्ट, जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो वैक्सीन टाइप टू है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं वो हमें शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो बहुत लंबे टाइम के लिए हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, हमें दोबारा से भी सेम डिजीज हो सकती है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ, आफ्टर द वैक्सीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स, लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन, लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द एंटीबायोटिक्स। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो जनरली बैक्टीरिया और फंगी से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी डिस्कस की थी इस बारे में पीछे इस वीडियो क्लिप में कि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में, पैथोजन्स आकर एक्चुअली हमें कैसे हार्म करते हैं कि वो हमारी बॉडी को होस्ट बॉडी बनाकर हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एंड वट एंटीबायोटिक्स डू टू देम, they have the ability to inhibit the growth of microorganism. They commonly block the biochemical pathway important for bacteria. Antibiotics क्या करेंगे bacteria के लिए जो chemical process important है उनके survival के लिए, उसके pathway को ही block कर देंगे। Many antibiotics can work against many species of bacteria rather than simply working against one. ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो सिर्फ एक बैक्टीरिया, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे एक्ट ना करके एक रेंज ऑफ बैक्टीरिया पर काम कर सकती है। बट एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस बिकॉज वायरसेस डू नॉट यूज द सेम पाथवे एज दैट ऑफ बैक्टीरिया। जो अभी हमने पीछे भी बात की थी कि जो एंटीवायरल वैक्सीन्स होती हैं या एंटीबायोटिक्स जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, वायरस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट क्रिएट करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती, इनफैक्ट किसी भी वायरस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट ढूंढना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वायरसेस डू नॉट यूज द सेम पाथवे एज दैट ऑफ बैक्टीरिया। वायरसेस जो है अपना खुद का पाथवे यूज करते ही नहीं है, दे यूज द होस्ट मैकेनिकल पाथवे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज द रीजन कि कोविड 19 जो कि एक वायरस है उसका जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक प्रॉपरली रिसर्च आउट नहीं हुआ है। एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है पेनिसिलिन। इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया विच हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। ड्यू टू पेनिसिलिन बैक्टीरिया बिकेम अनस्टेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजिली।
फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, एंड ये एंटीबायोटिक हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये ड्रग क्या करता है, ये एंटीबायोटिक क्या करता है, हम इसको जैसे ही कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है ना वो उस बैक्टीरिया को उसकी सेल वॉल को डिज़ाइन करने नहीं देगा, एंड अगर सेल वॉल डिज़ाइन नहीं होगी तो बैक्टीरिया बहुत टाइम तक बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो इजिली मर जाएगा। तो दिस इज हाउ पेनिसिलिन एंड द अदर एंटीबायोटिक्स ऑल्सो दे डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी एंड फाइनली मेक देम लीव द बॉडी। दिस इज हाउ द एंटीबायोटिक्स वर्क। एक्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी मच ईजी। द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव जस्ट स्टडी इज जस्ट अ लर्निंग कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये टेबल है जिसमें हमें प्रॉपर लिस्टिंग दी हुई है वट आर द वेरियस डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड फाइनली एट द लास्ट इज द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ये पूरी शीट मैंने एज इट इज आपको नोट्स में भी प्रोवाइड की है, एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न वेरियस थिंग्स फ्रॉम दिस टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोटोजोन की डिजीज की बात करूँ तो मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजर, जिसे हम लेशमेनियासिस भी कहते हैं, ये तीन डिजीज हैं जो प्रोटोजोन कॉज करते हैं। इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स के नेम आपको गिवन है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है एंड स्लीपिंग सिकनेस ट्रायपनसोमा ब्रूसाई से होती है, लेशमेनियासिस लेशमानिया डोनोवानी से होती है। फिर आगे इनके मीन्स ऑफ स्प्रेड दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मैंने आपको जब पीछे मीन्स ऑफ स्प्रेड अभी हमने डिस्कस किए थे तो वी सेड कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो एक कैरियर की तरह, एक वेक्टर की तरह काम करती है मलेरिया के लिए। मलेरिया किसी भी इंसान को प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, लेकिन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, अपनी बॉडी के ऊपर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाती है। एंड इन सभी डिजीज के सिम्टम्स एंड इनका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड वेरी सिमिलर थिंग इज फॉर बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड टाइफाइड, ये थ्री डिजीज हैं बैक्टीरिया से कॉज होने वाली जो हमें पढ़ना है, एंड एट द एंड इट इज डायरिया। ट्यूबरक्लोसिस, इट हैपन्स विद द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कॉलरा अकर ड्यू टू द विब्रियो कॉलरे। टाइफाइड अकर्स ड्यू टू द साल्मोनेला टाइफाई। एंड डायरिया जो है वो बहुत बैक्टीरिया से होता है जनरली, इस चैरिचिया कॉली से या साल्मोनेला से। मेनी अदर बैक्टीरियाज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरिया। दीज आर द वेरियस मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दीज डिजीज। These are the various symptoms and these are the prevention and control. You have to read them very properly and you should memorize them. And this very similar way is for the disease caused by viruses. Influenza, hepatitis A and B, AIDS, rabies, dengue and polio. These are the main disease and these are the causal organisms of these disease. Means of spread, that how they get communicate transferred from the infected person to healthy person. These are the various symptoms and these are the prevention and control. So with this table we just come to the end of the chapter. It's my request to you to watch the video again and again and note down the important terms in your notebook so that you are able to complete up your assignment. Thank you.